वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और आप लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि वीएसके भाई सबसे बेस्ट स्कूटी या बाइक कौन सा लेना चाहिए हमारे बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी के जॉब में। तो देखिए, हमारे इस काम के लिए 100 सीसी से लेकर 150 सीसी के सेगमेंट्स के मैं कुछ 4 से 5 बाइक रिकमेंड करूंगा आप लोगों को और स्कूटी भी रिकमेंड करूंगा। तो सारी बातें ना आज के इस राइड पे करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पे तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना या फिर 1x करके देख लेना, और अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी से आप स्किप करके कुछ और वीडियो देख सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये है मेरा हीरो डेस्टिनी 125 जिसको मैं कभी कभी डिलीवरी में यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास 2 बाइक और हैं, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो। मैं राइडिंग में मोस्ट ऑफ जो मेरा रजिस्टर्ड है एक्सपल्स 200T, उसको मैं यूज़ करता हूँ ओला उबर की राइडों में, और डिलीवरी वगैरह में इसमें यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एवेंजर ली हुई है, उसको भी चलाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये 3 चलाता हूँ। तो अब आप लोग को ये बता दूं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, है ना। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा मैटर। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ फूड डिलीवरी की। देखिए दोस्तों, फूड डिलीवरी में अगर आप सिर्फ काम करना चाहते हो और आपने माइंड बना लिया कि स्विगी या जोमेटो में काम करना है या पोर्टर में मान लीजिए करना है, मतलब डिलीवरी में करना है, तो फिर सबसे बेस्ट है स्कूटी, ठीक है। स्कूटी में ना आपको ना तो कोई बंजी रोप की ज़रूरत है, वैसे एक रखना तो ज़रूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है तो आप बांध सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप स्कूटी चलाते हैं ना फूड डिलीवरी में भी, तो आपको बैग तक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इतना स्पेस है, पीछे डिक्की में स्पेस होता है ऑलमोस्ट 15-20 लीटर का, है ना। और ये स्कूटी के जो है ना कुछ फ़ायदे होते हैं। और आजकल अगर मैं बात करूं एवरेज का, तो देखिए स्कूटी और बाइक का एवरेज कोई खास फर्क रह नहीं गया है। ये जैसे अगर मैं स्प्लेंडर और अपने डेस्टिनी 125 को कंपेयर करूं, तो दोस्तों ये BS6 है और इसका जो माइलेज है वो बड़े आराम से 45-50 देती है मेरे को, ठीक है। तो कोई भी स्कूटी जो करंट में आ रही है एक्टिवा तक, वो भी आपको 50 का माइलेज दे देती है, 45-50 का, क्योंकि उनका जो इंजन है वो स्मूथ हो गया है और इस वजह से। तो सबसे पहले अगर आप डिलीवरी काम कर रहे हो और मैं और स्कूटी के शौकीन हो तो आप भाई स्कूटी पे जाओ, है ना। और स्कूटी लो कोई 125 सीसी में, थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस आपको हाई पड़ेगा बाइक के अकॉर्डिंगली, लेकिन आप स्कूटी अगर पसंद है आपको चलाना तो आप स्कूटी ले सकते हैं, भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, थोड़ा निकल के फिर बात करते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर आपको स्कूटी बिल्कुल पसंद ही नहीं, जैसे कि मुझे इससे पहले जब तक मैं ये नहीं चलाया था ना, तो मुझे ना स्कूटी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, स्कूटी और बाइक दोनों ही मुझे बराबर के लगते हैं। थोड़ा फ़र्क होता है, जैसे कि आपको जब चलाएंगे ना तो बाइक में आपको अलग कंफर्ट मिलता है, स्कूटी में अलग। लेकिन अगर आपको सिर्फ बाइक ही लेना है और बाइक टैक्सी या फिर फूड डिलीवरी यही काम करना है, तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा 125 सीसी के ऊपर की कोई बाइक लेने के लिए और 200 सीसी के नीचे की, जिनमें से आप ले सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे TVS की राइडर है 125, वो बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, और बहुत सारे राइडर यूज़ करते हैं, उनका फीडबैक के बाद में आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। और नंबर 1 पे तो भाई अगर आप चाहें तो 100 सीसी में स्प्लेंडर ले सकते हैं, जो कि सदाबहार है, बट स्प्लेंडर आपको आने वाले 6 महीने XL के बाद आपको दिक्कत देने लगेगा, उसके कलपुर्जे जो है ना करकर फरफर करने लग जाता है स्प्लेंडर का। और दूसरे ऑप्शन पे मैं आपको दूसरी बाइक जो रिकमेंड करूँगा बजाज का CT125 जो X आता है, वो नया वाला मॉडल, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, ये वाला आप ले सकते हो। इसका भी जो माइलेज कंपनी रिकमेंड बोलती है वो 70 से 75 का बताती है, तो भाई आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बाइक पे ही बात करूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा और अच्छी बाइक लेनी है, बजट है आपके पास 1.5 लाख रुपये तक, तो फिर आप बाइक में जा सकते हो TVS का 160R जो आता है 4V अपाचे, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, TVS अपाचे 160R, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा लेंगे आप तो आप अपना डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं, और आपका जो घर में कहीं जाना हो आना हो, टूर ट्रेवल करना हो लंबे रास्ते पे, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो मैं बाइक आप लोगों को रिकमेंड करूँगा दोस्तों, वो है होंडा की बाइक। होंडा की आप 125 सीसी के ऊपर 125 में लेना है तो होंडा शाइन जो आती है, या फिर होंडा SP 125, ये दोनों ही बाइक बहुत ही सुपर है, आप ये ले सकते हो। अरे भैया फिर से ट्रैफिक आ गया, चलो फिर बात करते हैं भाई। दोपहर का 1:15 हो रहा है अभी, और इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम है, सावेरी का एरिया है और यहाँ पे फर्नीचर्स की मार्केट है पूरा ये। तो
स्कूटी का एक और बेनिफिट मैं आप लोगों को बताने भूल गया। पहली चीज ये कि आपको गियर शिफ्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कंफर्टेबल ट्रैफिक में चला सकते हो बहुत आसानी से, चाहे आप खुद चला रहे हो या फैमिली में कोई बैठा हुआ है, पीछे आपके फैमिली मेंबर कोई बैठा हुआ है तो भी आप चला सकते हो। दूसरी चीज की वो है आपका बूट स्पेस, जो बूट स्पेस है ये काफी मिल जाता है, जिसमें अगर आप कुछ काम करते हो ना तो आप आराम से हेलमेट वगैरह पीछे रख सकते हो। तो ये बेनिफिट है, आप देख सकते हैं मेरा हेलमेट रखा हुआ है और मैं राइड के लिए भी तैयार हूँ, तो ये भी है। बाकी छोटे मोटे बोतल वगैरह रख सकते हैं। एक राइड आ रखी थी दोस्तों, उसको ड्रॉप कर दिया है, फिर से आ गई। लो 11 किलोमीटर की ट्रिप है ये, जयपुरिया मॉल अभी नहीं लेना है, पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ऑफलाइन आ जाते हैं, उसके बाद जो है अपन संपूर्णम का आ गया है, चलो उसको ले लेते हैं। मेरे पास इस समय पायल के नाम से आ रहा है भैया। पायल के नाम से आ रहा है? हाँ। कैसे लोगे? पता नहीं भैया, देखो पायल आ रहा है मेरे पास तो। भाई जो लोग बिना शीशे के गाड़ी चलाते हैं पता नहीं कैसे चलाते हैं, और मुझसे तो नहीं चल रही है, तो बस देखना पड़ रहा है। हाँ तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। आगे मैंने आप लोगों को जो बाइक बताई है, 2 से 3 तीन बाइकें बताई हैं, ठीक है, ये बाइक टैक्सी में आप यूज़ कर सकते हो, सदाबहार जो है वो तो स्प्लेंडर है ही। फिर अब आते हैं स्कूटी। देखिए स्कूटी में मैंने बताया कि आप लोग अपने पसंद से चलाओ, ले हो जो भी आपको पसंद है। अब मैं ये हीरो की डेस्टिनी 125 चला रहा हूँ, अभी ये सिल्वर कलर में है। इससे पहले मैं अभी चला रहा था, जो ब्लॉग स्टार्ट किया था वो मेरा रेड कलर में आप लोगों ने देखा होगा। अब आते हैं हम लोग ईवी, क्योंकि अब जो फ्यूचर है ना बाइक टैक्सी का, देखिए दिल्ली में अगर आप चला रहे हैं, अभी तक तो बात करी थी मैंने सिर्फ कॉमनली, तो दिल्ली में जो नया रूल है उसके हिसाब से अगर आप खरीद रहे हैं बाइक या स्कूटी और बाइक टैक्सी में काम करना चाह रहे हो तो भी बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि दिल्ली में जो है ना वो लीगल नहीं है। दिल्ली में बाइक टैक्सी सिर्फ आपको ईवी व्हीकल ही चला सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो, वही चला सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल चलाते हो तो उसमें चालान होगा, तो दिल्ली में अगर आप हो तो फिर पेट्रोल पे जाओ। पेट्रोल में मैं देखो मेरे अभी किसी में अच्छा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं है। एथर वाले बोलते हैं कि भाई एथर अच्छा है, वहीं ओला जो कुछ यूज़र अभी नया है, जैसे हमारे अतिन भाई हैं और एक दो लोगों ने लिया है, उनका फीडबैक यही है कि वीएस के भाई ओला ना बहुत अच्छा है, और ओला का भी जो पावर स्टेशन है वो दिल्ली में कई जगह पे है, अपने नोएडा में भी है, तो आने वाले जो टाइम है वो ईवी का ही है, तो आप ईवी को भी कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों दोनों ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि अगर आप ये काम करना चाहते हो तो अपने हिसाब से देख लो, जो आपको अच्छा लगता है वो लो। अगर आप बाइक के शौकीन हो तो फिर भाई बाइक में आपको मैंने बता ही दिया, और अगर आप चाह बहुत सारे लोग के पास ऑलरेडी बाइक है 200 सीसी में 250 सीसी में, तो वो सोचते हैं कि बीएसके भाई हम लोग अगर देखो ये सिटी 100 चला रहे भाई, इसका माइलेज ना 70-80 के 70 दे देता है, तो बहुत से लोग होता है भाई मेरे पास FZ है, पल्सर 220 उस पर चला लूँ। भाई चलाने को तो रॉयल इनफील्ड चला रहे हैं लोग, है ना। अब वो आप अपना पॉकेट देखो कि आपके पॉकेट को क्या देता है। अगर आप ऐसे ही मतलब शौक पे चला रहे हो कि भाई मेरे को राइडिंग भी हो जाएगा और मैं थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएगा, तो वो पैसे सिर्फ आपके उतने आएंगे जिससे आप अपना पेट्रोल भरवा सको, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, यही था मेरा कंक्लूजन, बाकी आप लोग अच्छे समझदार हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। मिलते किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।